आम आदमी बीमा योजना को कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शंस इनमें से कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 2007 को इसे लॉन्च किया गया था। एक्चुअली में एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम थी, तो जो टारगेट की रही थी लो इनकम फैमिलीज़ को इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूट की थी एक हाई लेवल कमेटी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए अगस्त 2007 में, बताइए उस कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, पर सही जवाब जो है इसका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, रघुराम जी राजन जो थे इसके चेयरमैन थे। अगला क्वेश्चन है कि किसने कॉल दिया था, हु गेव द कॉल फॉर एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, एवर ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉल किसने दिया था? तो ऑप्शन हैं, और इनमें से जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जी स्वामीनाथन ने, एम एस स्वामीनाथन ने इसका कॉल दिया था। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो पार्ट है ये किसका पार्ट है? क्रेडिट पॉलिसी का, डेबिट पॉलिसी का, डिपॉजिट पॉलिसी का, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं? तो जो इसका सही जवाब रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रेडिट पॉलिसी का पार्ट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इंडिया में इनकम टैक्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हैं आपके सामने, बट जो इसका सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स विल्सन। थोड़ा सा इसके बारे में एक बार जान लेते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं कि 19वीं सेंचुरी में आपको पता है कि इसको लाया गया था, लेकिन हुआ क्या था कि 1857 का रिवोल्ट आप सब लोगों ने सुना होगा, इसके बाद ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में जो रूल कर रही थी, उसे एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। अब अपनी ट्रेजरी को भरने के लिए, खजाने को भरने के लिए उन्होंने टैक्स लगानी शुरू कर दी, और उस टैक्स में से एक टैक्स उन्होंने लगाया था इनकम टैक्स। पहला जो इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था वो साल था 1860 का, और महीना था फरवरी का, ठीक है, 1860 फेब में इसको पहली बार लगाया गया था। और लगाने वाला जो उस टाइम का फाइनेंस मिनिस्टर था उसका नाम था जेम्स विल्सन।